स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपने स्टडी करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जो आप पीछे देखते आए हैं। केसी की वैल्यू लास्ट में हमने डिराइव की पिछले दोनों डेरिवेशंस में, और केसी को हम कह रहे थे कि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब उसी केसी की वैल्यू को लेकर चलेंगे कि एक्चुअल में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, और उसके यूनिट्स क्या-क्या हो सकते हैं, क्या उसके यूनिट्स हैं या नहीं। अगर यूनिट्स हैं तो उन्हें डिराइव कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन नजर आ रही है स्क्रीन पर। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है। इसको इसके पार्ट्स में स्प्लिट करके और सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगी तो आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी अच्छे से। सबसे पहले आप देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप उसके फॉर्मूला में भी देखें तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये एक रेशो है। रेशो है ना, जब हम दो चीजों को डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, दो फैक्टर्स को, एक चीज न्यूमिनेटर में आती है और दूसरी डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों की आपस में हम क्या ले रहे होते हैं, रेशो। तो यहाँ पर अगर आप देखें केसी इज इक्वल टू, एक चीज न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब केसी क्या होगा, केसी एक्चुअल में एक रेशो है। अब ये दो फैक्टर्स की रेशो है, उन दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपने लेना क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी है। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको याद है कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर केसी का फॉर्मूला याद हो तो उसमें हम प्रोडक्ट्स को न्यूमिनेटर में लेते हैं और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लेते हैं, और वहां पर हम एज सच प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स नहीं लिख रहे होते, हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये कुछ प्रीवियस चीजें आपको रिवाइज करवाई हैं, उनको माइंड में रखते हुए अगर हम केसी को देखें तो केसी इज अ रेशो। अब रेशो है किसकी, रेशो में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। अब इसमें आप देखें कि आपके पास रेशियो में न्यूमिनेटर क्या है, एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट लेना है, मतलब कि दो या तीन जितनी भी चीजें आपको प्रोडक्ट्स में गिवन है उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने। तो पहले प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई वाला, आपने मल्टीप्लाई करना है। किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, और अगर उनके साथ कोफिशिएंट मेंशन है तो वो कोफिशिएंट आपने उनकी पावर में लिख देने हैं। अब ये रेशियो लेनी किसके साथ है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेने हैं, और अगर उन रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं तो उनको भी उनकी पावर में लिख देना है, और वो रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लीकेशन आपने लेनी है। तो आपके पास अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखा जाए तो ये एक रेशियो है, उस रेशियो में आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की प्रोडक्ट्स है, और उनके कोफिशिएंट्स को पावर के तौर पर लिख देते हो। साथ में अगर आप देखो कि वो रेशियो है किसके साथ, उस रेशियो का दूसरा फैक्टर क्या है, तो उसमें आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेनी है और उन रिएक्टेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर उनके कोफिशिएंट्स भी हैं तो वो कोफिशिएंट्स में जाएंगे एज अ पावर। तो अब दोबारा से जरा इसकी स्टेटमेंट को देखें किस तरह से लिखी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ, अब पहली चीज आ रही है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये रेशियो है किससे, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि आपने केसी को उसी तरह से प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स के इक्वल तो करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी, और उनके साथ आपने लिख देनी है उनकी पावर्स एज अ कोफिशिएंट। अब उसमें आप देखें कि फॉर्मूला भी, अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अभी जो पहले वाला प्रोडक्ट, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। अगर उनके जो स्टार्ट में जो नंबर्स लिखे होते हैं, मैंने आपको बताया था वो उनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं नंबर्स को आपने उनकी पावर्स में लिख देना। यहां तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया गया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं तो आपको कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, वही बात बताई गई है कि कन्वेंशनली हम इसको ओल्ड मेथड जो था लिखने का केसी को, वो इसी तरह लिख देते थे,
कि हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिख देते थे, प्रोडक्ट को एज ए न्यूमिनेटर लिख देते थे और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिख देते थे। अब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्या कि आपने लिखने न्यूमिनेटर में वही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपने कह दिया कि प्रोडक्ट्स की भी आपस में मल्टीप्लिकेशन लेनी है और उन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे और उनके जो कोफिशियंट्स हैं वो भी साथ ही आएंगे एज देयर पावर। अब यहाँ पर हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप केसी की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके कोफिशिएंट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होंगे, तो आप उसकी वैल्यूज भी ठीक से डिराइव नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर यह बताई गई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ केसी। केसी के दो फैक्टर्स यहाँ पर हेडिंग भी आपको लगी हुई नजर आएगी, आपने भी ऐसी मेंशन कर देनी है कि केसी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर इफेक्ट करती है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर के चेंज होने से केसी की वैल्यू भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। और दूसरी तरफ आपको क्लियर कर दिया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती। तो आपने यहाँ से इसका फैक्टर्स भी क्लियर कर लेने हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स उसका कोई लिंक नहीं है, वो उन पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके ये सिखाया गया है कि आप इसके यूनिट किस तरह से डिराइव करते हो। पीछे एक पॉइंट स्किप हो गया कि केसी की जो यूनिट्स हैं, केसी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि आपने मैथ्स में ये चीज देखी होगी जब भी हम किसी चीज की रेशो लेते हैं तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, उन दोनों के यूनिट्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और लास्ट में उसका हम केसी का एसेट को यूनिट नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अब डेरिवेशंस में आप देखेंगे कि उन्हीं यूनिट्स की कैलकुलेशंस में जो चीज बच रही है वो एज अ फाइनल यूनिट हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट आपको एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये एग्जांपल आप चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अगर आप देखो तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट मेंशन किया गया है। इसी इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने केसी की वैल्यू ड्राइव करनी है। तो केसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, आपने रेशियो लेनी है, रेशियो में न्यूमिनेटर में आपने क्या रखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट एक ही चीज है एच आई, आप उसी की कंसेंट्रेशन लोगे और उसका कोफिशिएंट क्योंकि 2 था, उस 2 को आप एज अ पावर मेंशन कर दोगे। डिनोमिनेटर में आपको पता है आपने रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट लिखना था, लेकिन उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट लेना किस चीज का, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का। तो न्यूमिनेटर में आपने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने उन जो केमिकल कंपाउंड्स आपको दिए गए थे उनकी जगह आपने उनके यूनिट्स लिख देने हैं। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, तो एच आई की जगह भी उसका यूनिट लिख दोगे मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन क्योंकि एच आई का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये उसके कोफिशिएंट को हमने पावर बनाया था, वो भी एज सच लिख दोगे। न्यूमिनेटर में आपने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है, लेकिन इनकी कोई पावर नहीं है, तो एज सच आप अलग अलग हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लिखोगे और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे जो कि है मोल पर डीएम क्यूब। अब ये 2 मोल पर डीएम क्यूब जो है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमिनेटर में मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट पर आपके पास कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो जो आंसर आएगा उसके साथ आप कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आपको अमोनिया की दी गई है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस तरह से कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें भी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है क्योंकि कोफिशिएंट्स मेंशन है। उसी तरह से आपने न्यूमिनेटर में लिख देनी है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसके कोफिशिएंट को लिख देना है एज इट्स पावर, और दूसरी तरह डिनोमिनेटर में आपने लिख देनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन उन कॉन्सेंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ और जिसका कोफिशिएंट मेंशन है उसको एज ए पावर लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में आपने अब केमिकल्स या कोई भी मॉलिक्यूल मेंशन नहीं करना, बल्कि उनकी जगह पर लिख देंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स। कॉन्सेंट्रेशन के वही यूनिट्स हैं मोल पर डीएम क्यूब, आप कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स मेंशन करें और जो भी पावर्स थी वो उनके यूनिट्स की भी पावर आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें कि ऊपर स्क्वायर में है, नीचे एक क्यूब और एक सिंगल वैल्यू है, तो वही सिंपल मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करेंगे। नीचे से आपकी वैल्यूज जो है ऊपर के स्क्वायर की वैल्यू को कैंसिल कर देंगी और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 मोल पर डीएम क्यूब बच जाएंगे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसकी जो मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यू है
उसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे. न्यूमिनेटर में लिखते हुए आपको पता है जब हम किसी वैल्यू को नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं. अगर जो साइन पॉजिटिव में था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो वैल्यू नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी. आपके पास क्योंकि होल स्क्वायर है तो उस होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो वो मोल स्क्वायर और डीएम पावर 6 हो जाएगा. साइंस इनके कैसे लिखोगे, मोल का पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगी. मोल स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर जाके मोल की पावर -2 हो जाएगी. डीएम की पावर देखो तो -3 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा -6. लेकिन जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो वो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डीएम 6. तो इस तरह से आपको इन दो इक्वेशन से सिखाया गया कि केसी का अपना कोई यूनिट तो नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आप लिखते हैं उन्हीं के यूनिट्स को आपको सिंप्लीफाई करना होता है और लास्ट पर जो बचता है वो ही आंसर के साथ यूनिट मेंशन करना है. ठीक है, तो इसके कैलकुलेशंस में आप दो चीजें करेंगे, एक तो जो आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज दी जाएंगी उनको सॉल्व करना है और साथ में यूनिट्स को भी सॉल्व करके फाइनल यूनिट ठीक लिखना जरूरी है. नेक्स्ट आपको तीन एग्जाम्पल्स दी गई है, वन बाय वन हम उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं. पहली वही हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपने एग्जाम्पल देखी थी, आपने उसके यूनिट्स को सॉल्व करना सीखा था, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज भी गिवन है साथ में. आप कॉन्सेंट्रेशन में आप देखें आपको हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन की गिवन है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू गिवन है 0.4 मोल पर डीएम क्यूब. इन वैल्यूज को आपने केसी वाले फॉर्मूला में पुट करना है. फॉर्मूला आपको याद है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उनकी पावर्स में आपने लिख देने उनके कोफिशिएंट. तो आप देखें कि आपने एच आई की जगह न्यूमिनेटर में एच आई की जगह उसकी वैल्यू लिख दी जो कि 0.49 थी और क्योंकि इक्वेशन में उसके साथ एक कोफिशिएंट गिवन था आपने उस कोफिशिएंट को उसकी पावर में लिख दिया. और नीचे डिनोमिनेटर में आपने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज लिख दी. सिंपल, आप ऊपर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, उसके बाद फाइनली इन वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा. लेकिन क्योंकि आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के यूनिट वाली डेरिवेशन जब की थी तो आपने देखा सो कोई यूनिट नहीं था, इस तरह से इस आंसर के साथ भी यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा. बहुत सिंपल सी इसकी सॉल्यूशन है, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है 2 times. नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखें एग्जांपल में आपको अमोनिया वाली एग्जांपल दी गई, वही जो भी आपने यूनिट डिराइव करना सीखा था. लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ यूनिट्स गिवन नहीं है, यूनिट्स के साथ साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की कंसंट्रेशन की वैल्यूज भी गिवन है. आपने उनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज लिखनी है, उसको केसी के फॉर्मूला में पुट करेंगे. केसी के फॉर्मूला में पुट करते हुए वही बात है, ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपके पास है प्रोडक्ट में अमोनिया, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि वो उसका कोएफिशिएंट है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और उनकी कोएफिशिएंट जो है वो पावर में लिख दोगे. उसके बाद अलग अलग पहले अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू पुट करनी है, फिर डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन एंड देन हाइड्रोजन और उनकी पावर भी मैंशन करनी है. आप 0.013 का स्क्वायर लेंगे, नीचे 0.420 का क्यूब लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यूज को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको डिवाइड करके आपके पास एक आंसर आएगा. लेकिन यहाँ आप देखिए आंसर में यूनिट भी मेंशन किया हुआ है. यहाँ पर आंसर में यूनिट क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आप देखें आपने पिछली डेरिवेशन से अच्छे से सीख लिया, आप चाहें तो यहाँ यूनिट साथ डिराइव कर सकते हैं कि जब आपके पास ऊपर की जो वैल्यू है यूनिट की वो स्क्वायर में है, नीचे एक क्यूब और एक सिंगल वैल्यू है, नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर के स्क्वायर को पहले कैंसिल करेंगी और फिर भी आपके पास डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर बच जाएगा मोल पर डीएम क्यूब का. अब उस स्क्वायर को जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो वो बन जाएगा मोल माइनस स्क्वायर डीएम 6 और यही वो यूनिट है जो आपने यहाँ पर साथ मेंशन किया. मैंने आपको पहले भी बताया था आपको दो डेरिवेशन साथ साथ लेकर चलनी है, आप इसी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज को भी डिराइव करोगे और यूनिट्स को भी. यहाँ पर आपको अलग अलग डिराइव करना सिखाया है, लेकिन अगर आप इसके यूनिट को साथ साथ लिखकर डिराइव करोगे तो भी वो साथ में सॉल्व हो सकते हैं. लास्ट एक एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें आपको PCl5 के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से PCl3 में जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो PCl5 बना देता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है. उसकी बैलेंस इक्वेशन भी गिवन है, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है इक्वेशन में. तो सिंपल सी बात है, अगर कोएफिशिएंट नहीं है कैलकुलेशन आसान हो गई, आपके पास यहाँ पर पावर्स नहीं आएंगी. न्यूमिनेटर में आप कंसंट्रेशन लिख दोगे PCl5 की और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दोगे Cl3, PCl3 और Cl2 की.
उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखने के साथ साथ, क्योंकि अब यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है, तो आप देखो कि आपके पास